ये हमने लिया है 2 किलो देसी चिकन है ये, और ये हमारा अदरक लहसुन टमाटर और प्याज का पेस्ट है, जिसमें मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। इसमें हमने लगभग 8 मीडियम साइज़ के प्याज ली हैं, 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और 2 हमने लहसुन का बंच लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है हमने, और इसके अलावा हमने इसमें 8-9 लगभग हमने इसमें ग्रीन चिल्ली ली है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ गरम मसाले। ये देखिए हमने इसमें ये गरम मसाले लिए हैं, लगभग इसमें हमने 5-6 छोटी इलायची, 3-4 बड़ी इलायची, और लगभग 7-8 लौंग ले सकते हैं आप, और इसमें लगभग 8-10 काली मिर्च, और लगभग इतना सा पीस आप ले सकते हैं इसमें ये जावित्री का, और ये है दालचीनी सेरेमन स्टिक, ये हम ले सकते हैं, लगभग इतना ले लीजिए आप बस। और ये हमने लिए हैं इसमें तेज़पात का पत्ता है, ये लगभग 2 हमने तेज़पात के पत्ते लिए हैं इसमें। तो इस तरह से ये हमारे सिर्फ गरम मसाले हैं, और हम बिल्कुल सिंपल चिकन ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। चिकन करी बिल्कुल सिंपल रहेगी हमारी, और इसमें मैंने इसमें ऑयल ले लिया था, ये आपको मैंने भी पहले दिखा दिया, हालांकि मैं पहले ही इसमें डाल चुकी हूँ। ये ऑयल है, ऑयल के अंदर मैंने इसमें गरम मसाले डाल दिए हैं पहले ही, ये इनको मैंने ब्राउन कर दिया है गरम मसालों को। और इसमें मैंने लगभग 5-6 बड़े वाले चम्मच ऑयल के लिया है, मैंने 5-6 बड़े चम्मच ऑयल के, आप भी ले सकते हैं। ऑयल की क्वांटिटी घटाना या बढ़ाना ये आपकी अपनी फैमिली के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इस तरीके से हम ये ले सकते हैं। अब ये सारा का सारा ये बड़ा वाला जार में ये सब मैंने इकट्ठा करके पीस लिया था मैंने ये सारा का सारा, ताकि मुझे अलग अलग से चीज़ों को ना तैयार करना पड़े। ये पूरा एक बड़े जार में आ गया था, ये इसमें मैं सब डाल देती हूँ। इसको लगभग 2-3 मिनट इसको हम लोग सोटे करते हैं 2-3 मिनट इसको, ताकि ये ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए, ये ऑयल के अंदर अच्छे से ये मिक्स हो ही जाएगा। मिनट इसको हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर जो मसाले डाल रही हूँ, मसाले पाउडर वाले जो मैं डाल रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अभी हमारा 2 किलो चिकन है हमारा, तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी बता देती हूँ। 2 किलो चिकन में मैं ले लेती हूँ 2 चम्मच नमक, फुल स्पून करके मैंने 2 चम्मच नमक ले लिया। नमक अगर कम रहेगा तो हम बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके अलावा लाल मिर्च इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च ये वाली मैं इसमें डाल रही हूँ। और धनिया मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें 1 किलो चिकन की ग्रेवी में हम 4 चम्मच धनिया लेते हैं, तो 2 किलो में हमारा 8 चम्मच बिल्कुल ठीक रहेगा। ये अराउंड 8 चम्मच हो गया है, इसके अलावा मैं इसमें ले लेती हूँ 1 कश्मीरी लाल मिर्च, मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले लेती हूँ। उससे क्या होता है कि कश्मीरी लाल मिर्च तीखी तो होती नहीं है, लेकिन उससे कलर बहुत प्यारा आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो सालन है उसका कलर बहुत अच्छा तैयार होगा। और बिल्कुल 1 पिंच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, 1 पिंच हल्दी डाल दी हमने इसमें, और इसी तरह से हम लगभग 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसमें हम डाल देंगे, उससे भी थोड़ा टेस्ट हमारा इन्हांस हो जाता है, क्योंकि जब पिसा हुआ गरम मसाला हम
शुरू में डाल देते हैं मसाला भूनते हुए, तो उससे टेस्ट एनहांस होता है। उसके बाद बिल्कुल लिटिल बिट चम्मच, आधा चम्मच से भी कम हम गरम मसाला डालेंगे जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा उसके बाद। तो उससे क्या होता है कि उससे एक एरोमा, एक फ्रेग्रेंस हमारे मसाले में बनता है। अब ये मसाला हमारा भुन रहा है और अभी हम आपसे मिलते हैं, लगभग 15 मिनट तक हम इसको भूनते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए, अब हमारा मसाला जो है चिकन के लिए वो बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। हमने लगभग इसको 15 मिनट तक हमने इसको मीडियम आंच करने के बाद हमने इसको सेक अच्छी तरह से भून के रख दिया बहुत अच्छे से। अब देखिए, जो हमारा पहला स्टेप था एक्चुअली चिकन को फ्राई करने का ऑयल में मसाले डालने से पहले, वो स्किप हो गया था अनफॉर्चुनेटली, जिसको हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हमने ये बाद में अलग से इसको हमने फ्राई कर दिया। ये अलग से फ्राई हो गया है। अब इसको हम मसाला चूँकि भून चुका है बहुत अच्छी तरह, अब इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको डालने के बाद में हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो है अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये देसी चिकन है और देसी चिकन जो है वो नॉर्मल चिकन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये कितनी देर में गलता है। उसके बाद लगभग अराउंड 20 मिनट बाद हम आपसे मिलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको इसमें डालने के बाद में इसको मिक्स करती हूँ और मसाले किस तरह के कलर में हैं फिलहाल हमें जो दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। अभी आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस भी हमारे कितने प्यारे कलर में आए। मैंने इनको फ्राई कर दिया था, ये बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहे हैं, बहुत अच्छा सा कलर मुझे ऊपर आ गया था फ्राई होने के बाद में। और इसको हमने मसालों मिक्स करते हैं अभी, और मसालों मिक्स करने के बाद में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा ये ज़्यादा टाइम लेंगे नॉर्मल चिकन से टेंडर होने में, उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए कितना टाइम लगेगा तो उसी के हिसाब से हम 15 मिनट को लगभग मान के चलते हैं, और 15 मिनट के बाद जब ये टेंडर हो जाएगा तो तब मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी। अब देखिए चिकन, मैंने आपको बताया था कि ये देसी चिकन है और इसीलिए इसको मैंने लगभग 30 मिनट इसको मैंने चिकन को मसाले में डालने के बाद भूना अच्छे से, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगा कि ये अच्छे से टेंडर नहीं हो पाया, ये अच्छे से टेंडर नहीं हो पाया था। फिर मैंने इसमें 2 सीटियाँ लगा दी और देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से 2 सीटी लगाने के बाद आपको दिखाएंगे। और अभी हम चेक करते हैं कि क्या चिकन अच्छे से टेंडर हुआ या नहीं हुआ। एक पीस हम इसका निकाल देते हैं और अभी ये पीस हम चेक करते हैं इसका निकाल के, ये अच्छे से टेंडर हो गया, देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेंडर है ये। अभी अब क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अब ये हमारे यहाँ इसको ऐसे ही अच्छा लगता है, सबको भुना हुआ गोश्त ही सब पसंद करते हैं। मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ ताकि अच्छे से हम लोग इसको चेक कर लें। अभी तो देखिए मैं इसको अब डिश आउट कर दूँगी, मैं दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके अच्छे से। देखिए इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बन रहा है, कैसे इसका टेस्ट आया है। अभी खुशबू तो वाकई बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त एरोमा है। और गरम मसाला मैं इसमें डाल चुकी थी जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि तैयार होने के बाद थोड़ा गरम मसाला डालते हैं। और देखिए मेरी जीभ में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, वाकई बहुत टेस्ट इसका लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, ज़बरदस्त। इसमें कोई एडिशनल किसी मसाले की ज़रूरत नहीं थी हमें, और नमक और मसाले जो हमने रखे थे वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। अगर आप कोई रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना और ट्राई भी ज़रूर करना, क्योंकि ये रेसिपी बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, जो शुरुआती स्टेज पर खाना बनाना सीखना पसंद करते हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी रेसिपी है, क्योंकि इसमें हमने कोई एडिशनल मसाले यूज़ नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हमारी रेसिपी नहीं है, बहुत मीडियम लेवल की रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
ये देखिए अब हमारा मसाला जो है चिकन के लिए वो बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। हमने लगभग इसको 15 मिनट तक हमने इसको मीडियम आंच करने के बाद हमने इसको सेक अच्छी तरह से भून के रख दिया बहुत अच्छे से। अब देखिए जो हमारा पहला स्टेप था एक्चुअली चिकन को फ्राई करने का ऑयल में मसाले डालने से पहले वो स्किप हो गया था अनफॉर्चुनेटली, जिसको हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हमने ये बाद में अलग से इसको हमने फ्राई कर दिया। ये अलग से फ्राई हो गया है। अब इसको हम मसाला चूँकि भून चुका है बहुत अच्छी तरह, अब इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको डालने के बाद में हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो है अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये देसी चिकन है और देसी चिकन जो है वो नॉर्मल चिकन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये कितनी देर में गलता है, उसके बाद लगभग अराउंड 20 मिनट बाद हम आपसे मिलेंगे। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको इसमें डालने के बाद में इसको मिक्स करती हूँ और मसाले किस तरह के कलर में हैं फिलहाल हमें जो दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। अभी आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस भी हमारे कितने प्यारे कलर में आए। मैंने इनको फ्राई कर दिया था, ये बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहे हैं, बहुत अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ गया था फ्राई होने के बाद में। और इसको हम एक मसालों में मिक्स करते हैं अभी, और मसालों में मिक्स करने के बाद में क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा ये ज़्यादा टाइम लेंगे नॉर्मल चिकन से टेंडर होने में, इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए कितना टाइम लगेगा तो उसी के हिसाब से हम 15 मिनट को लगभग मान के चलते हैं, और 15 मिनट के बाद जब ये टेंडर हो जाएगा तो तब मैं आपसे दोबारा फिर मिलती हूँ। अब देखिए चिकन मैंने आपको बताया था कि ये देसी चिकन है और इसीलिए इसको मैंने लगभग 30 मिनट इसको मैंने चिकन को मसाले में डालने के बाद भूना अच्छे से, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगा कि ये अच्छे से टेंडर नहीं हो पाया, ये अच्छे से टेंडर नहीं हो पाया था। फिर मैंने इसमें दो सीटियाँ लगा दी हैं और देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से दो सीटी लगाने के बाद आपको दिखाएंगे। और अभी हम चेक करते हैं कि क्या चिकन अच्छे से टेंडर हुआ या नहीं हुआ। एक पीस हम इसका निकाल देते हैं और अभी ये पीस हम चेक करते हैं इसका निकाल के, ये अच्छे से टेंडर हो गया है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेंडर है ये। अभी अब क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अब ये हमारे यहाँ इसको ऐसे ही अच्छा लगता है, सबको भुना हुआ गोश्त ही सब पसंद करते हैं। मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ ताकि अच्छे से हम लोग इसको चेक कर लें। अभी तो देखिए मैं इसको अब डिश आउट कर दूँगी, मैं दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके अच्छे से। देखिए इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बन रहा है, कैसे इसका टेस्ट आया है। अभी खुशबू तो वाकई बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त एरोमा है। और गरम मसाला मैं इसमें डाल चुकी थी जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि तैयार होने के बाद थोड़ा गरम मसाला डालते हैं। और देखिए मेरी जीभ में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, वाकई बहुत टेस्ट इसका लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, ज़बरदस्त। इसमें कोई एडिशनल किसी मसाले की ज़रूरत नहीं थी हमें, और नमक और मसाले जो हमने रखे थे वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। अगर आप कोई रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना और ट्राई भी ज़रूर करना, क्योंकि ये रेसिपी बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, जो शुरुआती स्टेज पे खाना बनाना सीखना पसंद करते हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी रेसिपी है, क्योंकि इसमें हमने कोई एडिशनल मसाले यूज़ नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हमारी रेसिपी नहीं है, बहुत मीडियम लेवल की रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।